पहला कर दे, यहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी लग गई है, मेन एंट्री यहाँ से। इसका क्या मांग रहे हो? सही सही सही, हाँ सही। दो बीस इस जानवर का? अबे यार कहाँ सौदा होगा इस जानवर के, देखो भाई ये प्लान कर रहे हैं, 2.20 मांग रहे हैं इसके। ये जोड़ी के 24 लाख रुपए भाई इन दोनों के। उफ। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम जाने वाले हैं अगेन नॉर्दर्न बाईपास मंडी। यार गाइस अभी बीच में मंडी इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई माल कम था, तो वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आ रहा था, व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है सुनने में आ रहा है ट्रक वगैरह उतर गए, 500 अबव जानवर खड़े हैं मंडी के अंदर। तो देखते हैं क्या सूरत हाल है और आज आपको थोड़े रेट वगैरह भी पूछ के बताएंगे। तो चलते हैं मंडी की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। A few moments later. जैसे आप देख सकते हैं मैं ये मवेशी मंडी का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और मैं आपको ये आप कट को जानते होंगे, जैसे यहाँ सीधा जाके जो है मंडी है, तो भाई ये मेमार वाला रास्ता है सामने और ये नॉर्दर्न बाईपास वाला है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा नॉर्दर्न बाईपास से आए, ये बिल्कुल सेफ है, थोड़ा सा दूर है और हवा वगैरह तेज है। लोग बोलते हैं डेंजर है, भाई आप बाइक वगैरह के लिए साइड में रास्ता दिया हुआ है, अगर गाड़ी है करोला वगैरह तो आप इजिली आ सकते हो आराम से। यार मेमार वाला रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ गड्ढे वगैरह बहुत है और यहाँ पे थोड़ा जो है रात के टाइम मगरिब के बाद ना बहुत सन्नाटा वगैरह हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा दूर वाला सफर लें लेकिन आराम से आए सुकून से। और ये कट आपके सामने मंडी, वहां से आप बिल्कुल सीधा आएंगे, वो देखें वो रोड है आप देख सकते हैं, वहां से बिल्कुल सीधा आएंगे। ये पहला गड्ढ है, ये दिखाएं, ये पहला गड्ढ है, यहाँ सिक्योरिटी वगैरह भी लग गई है, मेन एंट्री यहाँ से। तो आप आसानी से यहाँ से लेके जाएं और बाइक वाइक पार करें, ये मेन मंडी है यहाँ से। तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं, वहां से आप बिल्कुल देखें मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, वहां से आप जो मैंने कट दिखाया वहां से बिल्कुल सीधा आएंगे। ये पहला गड्ढ है यहाँ पे, ये पहला गड्ढ है, यहाँ आपको खुद नजर आ जाएगा ये पार्किंग वाले खड़े हुए हैं और ये पर्ची वर्ची बना रहे हैं। तो आप यहाँ से बाइक लेके जा सकते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं मंडी, यहाँ से मेन एंट्री यहाँ से है मंडी की। 12 seconds later. मंडी के अंदर आ चुका हूँ, ये बिल्कुल चाइल्ड के सामने देख सकते हैं आप, ये चाइल्ड के बोर्ड चाइल्ड लिखा हुआ और इसके सामने कट अभी इन्होंने फिलहाल बना दिया है। और इधर भी मंडी लग गई है और सामने भी जानवर आ गए हैं देख सकते हैं आप, और उस तरफ भी जानवर तकरीबन उतर रहे हैं। भाई माल तेजी से आ रहा है, अपने सिब्बी के बछड़े भी भाई बैठे हुए हैं, ये सिब्बी भी आ गए हैं तकरीबन। तो भाई देख सकते हैं अभी ये वो साइज वाले नहीं है, माल आ रहा है तकरीबन, तो ये छोटा माल खड़ा हुआ है। बाकी इनसे पूछते हैं इनके रेट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हैं आगे आप हैं, ये कितने जानवर लाए हैं मंडी में? ये भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम, सही कितने जानवर लेके आया मंडी में? इधर यहाँ पे मंडी में 60 जानवर। ये क्या मांग रहे हो इनके, छोटे वाले के क्या मांग रहे हो उसके? हाँ कितना भाई? भाई ये तो अभी व्यापारी मजाक कर रहे हैं, 7 लाख 8 लाख ये जानवर के देखो 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। सही हसो नहीं यार, हसो नहीं, कैमरा देख के आप 7 लाख रुपए मांग रहे हो, सही बताओ। अच्छा अच्छा चलो जायज बताओ एक बार इसका क्या मांग रहे हो? सही सही सही, हाँ सही। दो बीस इस जानवर का इसका? अबे यार कहाँ सौदा होगा इस जानवर के, देखो भाई ये प्लान कर रहे हैं, 2.20 मांग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से भाई 80 लगाने के हैं, 75 वगैरह में सौदा बन जाए इसका और इसका। छोटा माल खड़ा हुआ है, अभी इनसे पूछते हैं व्यापारी से क्या क्या ये मांगते हैं, तो जो होगा बताएंगे आपको। हाँ भाई क्या मांग रहे हो इसके, इसके क्या मांग रहे हो? मजदूर हो आपका, वो कहाँ है सेठ, कहाँ है सेठ? वो आगे आओ आओ सेठ के पास चलो भाई, ये जानवर के बीच से निकलना पड़ता है, सेठ के पास चलते हैं। रेट वगैरह थोड़े बता दो यार जानवर के, रेट वगैरह अभी पता नहीं है भाई, थोड़ा अंदाजा नहीं इसके तो क्या अभी उतारा है माल? अच्छा अभी उतारा है, तो कब आए हो ये माल लेके? सुबह सुबह सुबह। अच्छा रात दिन मशवरा करेंगे। अच्छा 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 ये छोटा माल लेके आए और मैंने आपको दिखाया, ये अभी सुबह ही लेके आए माल, तो आप ये देख सकते हैं इनका माल है। अभी ये मशवरा वशरा करेंगे, उसके बाद जो है जानवर अभी थका हुआ है, आते ही खाना वाना खिला रहे हैं, उसके बाद जो है देखें आप सामने जानवर को खाना वाना डाला है इन्होंने,
तो उसके बाद ये रेट जो है डन करेंगे। छोटा वोटा माल बना हुआ है, छोटे माल थोड़े ज्यादा है। सही क्या मांग रहे हो इसके? एक चालीस मांग रहा भाई इसके, एक चालीस। अभी तो मंडी ये बिना पूछे बिना समझे बात करे हुए मांग रहे रेट। तो भाई अभी तो माल उतरा तकरीबन, ये अपने हिसाब से मांग रहे हैं, डिसाइड करेंगे एक दो दिन में ही रेट बताएंगे। देखिए माल तकरीबन आ गया है हर जगह पे, मंडी लग गई है तकरीबन। ये जानवर वाइट वाइट बैठे हुए हैं और खूबसूरत जानवर है। पूछते हैं भाई से, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई सही से रेट बताना यार, एक एक बार बताओ हमारी आवाम को। कौन है फिर वो सामने बैठे हुए? अच्छा वो सामने चाचा बैठे हुए हैं, वो ही है ना। चलो आओ उनके। देखो भाई जानवर माशाल्लाह वीआईपी आए हुए मंडी में, कलर तो अच्छे हैं यार। इसकी क्या मांग रहे हो? 9 लाख। 9 लाख रुपए? और उसके? उसका भी 9 लाख। उसका भी 9 लाख। और इसके बराबर वाला ये दूसरे नंबर वाला? हाँ हाँ, ये 8 लाख मांग रहे हैं भाई इसके। और वो काले दो, काले मांग रहे हैं 26 लाख। कितना? 26 लाख। चौबीस कितना? 12 लाख। अच्छा 12 लाख भाई, 12 लाख जोड़ेगा? एक 12 लाख का या जोड़ेगा? जोड़ी के 24 लाख रुपए भाई इन दोनों के। उफ, बाकी रेट देखो भाई। इस बार चाचा किराया लिए जगह का? नहीं लिया तो कोई हिसाब किताब कोई नहीं लिया? पानी वानी का जो है? अच्छा पानी शानी दे रहे हैं भाई। ये देखो इस बार व्यापारियों से किराया भी नहीं लिया भाई, फिर भी व्यापारियों के रेट इतने हाई है। वो सामने मिश्ताक आया हुआ भाई, रश लगा हुआ है। हम अस्सलाम वालेकुम भाई, माल लेके आयो? कहाँ है माल दिखाना जरा। ये सामने, हाँ क्या मांग रहे हो ये बचिया के? एक अंदाजन बताओ, एक अंदाजन। 5.5 लाख रुपए ये पहली वाली बछड़ी के? अच्छा अच्छा। और ये जो बछड़ा खराब है इसके 7.5 लाख मांग रहा भाई। और इसकी क्या मांग रहे हो भाई? 2.20। ये थोड़ा सब समझ में आ रहा है, 2.20 बोलने के ना सौदा तो बन जाए। ये भी आपका ही है? अच्छा ये उसका ही है। आ जाओ भाई आ गया। 2.20 भाई ये तकरीबन थोड़ा भाई सही बोल रहे हैं, 4 लाख 5 लाख से थोड़ा कम बात कर रहे हैं ना, 2.20 समझने वाले रेट हैं। बाकी ये देखें भाई छोटे जानवर भी आए हुए हैं सब। ये देखें आप सामने जानवर आया हुआ, ये और वो शामिर घूम रहा है। भाई हम भी अपनी वीडियो बनाते हैं, टाइम नहीं है अभी ज़्यादा। ये देखो भाई सारे जानवर हैं ये तकरीबन। यार बहुत बहुत माल आ गया, बहुत माल आ गया। आप देखो व्यापारी ने अपने कैम वैम भी सब लगा लिए, इंतजाम कर लिए, तो अब तो मेरे ख्याल से इनको सही रेट मांगने चाहिए। भाई अस्सलाम वालेकुम, कितना माल लेके आया हो बाबा? 26 माल लेके आया हो? ये सारा माल आपका ही है? क्या मांग रहे हो इस बड़े वाले बछड़े के? 25 लाख रुपये। और इसके? 8 लाख रुपये। और वो जो बैठ रहा है ये जानवर, ये वो सामने जो खड़ा हुआ है बैठ रहा है, इसके इसके 3 लाख रुपए। और ये जो वाइड वाला खड़ा हुआ है, ये वाइड वाला जो खड़ा हुआ है वो 3.5 लाख रुपए। भाई ये थोड़ा सही मांग रहे हैं यार। आप कितने दिन हो गए आपको माल लाए हुए? 4-5 दिन। देखो भाई सही है, जो आ रहा है तकरीबन 3-4 दिन बाद अपना रेट सही लगा रहे हैं, वरना तो मांगने के पहले दिन में। हमारा जो अभी गाड़ी शाम को और पहुंचने वाली है। अच्छा शाम को और माल, शाम को और माल आएगा। जी, चलो भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल फहीम। कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा, नंबर लिखिए, आप बता दें मैं वीडियो। 0333 7364 4417। भाई ये अब्दुल फहीम भाई कितने दाने लेके आयो? 26 भाई इनके थोड़े रेट थोड़े सही लग रहे हैं मुझे, 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख। तो भाई बात करने से बनेगी तो आप आए, इनका नंबर आपको बता दिया, फोन करके मंडी में इनसे पूछ लें कहाँ बैठे हैं। सही है, मुझे जहाँ तक इनके रेट लगे थोड़े सही हैं, जानवर भी भाई 3 लाख 3.5 लाख मांग रहे हैं तो सौदा बन जाएगा इंशाल्लाह। बड़ा माल भी तकरीबन आया हुआ है और साइज चेक करें इसका, ये चेक करें, माल तो खूबसूरत आया हुआ मंडी में, छोटा बड़ा मिक्स है इस बार। तो तकरीबन मंडी देखें आप, आपको जूम करके दिखाता हूँ,
ज्यादा लग गई है और माल अनगिनत है, अब तो लग गई है तकरीबन गाइस मंडी। देखो आपको चारों तरफ जानवर ही जानवर मिलेंगे, और वो पीछे भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये जो है छोटा सा वहाँ से दिख रहा है, वहाँ पे भी जानवर आ गए हैं चाइल के बराबर में। खूबसूरत जानवर है यार मंडी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या मांग रहे हैं भाई इसके? इसका भाई 12.5 12.5 लाख, और इसके 5.20। अब अच्छा खोले, और वो नुकरेगे, वो पीछे जो नुकरा है इधर आए, अच्छा खोल, वो नुकरेगे, वो नुकरा 4.80 भाई, वो नुकरा 4.80 रेट। बाकी आप देख सकते हैं भाई रेट, अभी ये तकरीबन ज़्यादा ही मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मांग रहे हैं। सामने भी देखो यार बड़ा माल खड़ा हुआ है, ये देखो। बाकी कोशिश करेंगे आपको थोड़े थोड़े रेट बताते रहें जो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, कब लाए ये माल? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन होगा, अच्छा इसकी क्या मांग रहे हो? इसका 16.5 लाख। 16.5 लाख, और ये वाले के पीछे वाले के इसके 18.5 लाख, अच्छा, और इसके इसका, हाँ साढ़े अठारह लाख भाई, और इसके इसका 20 लाख। रेट अभी डिसाइड नहीं करे या मांगने के हैं? डिसाइड करने सौदे हो रहे हैं इसी रेट में, बहुत महंगे हैं भाई, क्या करें, खर्चे बहुत हैं। अच्छा सौदे हो रहे हैं इसी रेट में, सौदे हो रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा भाई, रेट तो माशाल्लाह चढ़े हुए हैं अभी, जानवर भी अच्छे हमारे देसी, रेंट की नहीं है ना। हाँ अब तो जगह के पैसे नहीं लिए ना शायद, जानवर के लिए। अच्छा अच्छा जानवर के लिए, सही सही, आ जाओ भाई। बजट आउट कर दिया इन लोगों ने कराची की आवाम का भाई। बाकी आपको दिखाते हैं, ये तो वही बछड़े आ गए भाई, ये वाइट वाला वापसी आ गया, ये देखो यार कैसा सेट हो गया, देख रहे हो। सो गाइस मंडी में आते ही इस बछड़े की तबीयत खराब हो गई, आप देख सकते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस मैं मंडी से डायरेक्ट घर आ गया था। इसी तरीके से ब्लॉग को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।